हमें नियुक्ति देने की बात क्यों नहीं की जा रही है? आपकी आंसर शीट को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं। आंसर शीट को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो वहाँ पे जांच कर लीजिए, हमने मना कब किया। मैं आपसे आंसर शीट से एक सवाल पूछता हूँ। नहीं बोलना, एक मिनट रुकिए, आपसे मैं आंसर शीट से सवाल पूछ रहा हूँ। इतना ही कहना चाहती हूँ। नहीं, आपने 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 पटवारी भर्ती परीक्षा में अपीयर हुई है ना? पूजा पूजा, मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है वो विवादों में घिर चुका है। जब से रिजल्ट आया है, रैंक 5वीं रैंक जो आई है मेरिट में, वो है पूजा रावत की। पूजा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। पूजा, मेरा गला बैठ गया है, मैं बोल नहीं पा रही, किस किस को बोलूंगी वो बैठ। आप अपना पक्ष नहीं रखेंगी तो ये बताइए कैसे पता चलेगा कि आपके बारे में तो दिया पक्ष। आप हमसे बात नहीं करेंगी, हम मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आप जब बात ही नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा? सब लोगों से बात कर ली, मैं घर पे मेरी आ रही हूँ, उनसे भी मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मैं बोल तो रही हूँ आपसे वही बात। जितना बोल रही हैं उतना ही सुनेंगे हम। मुझे ये बताइए आपका एग्जाम सेंटर कहाँ था, कितनी तारीख को परीक्षा दी, कौन सी शिफ्ट में परीक्षा दी? 16 मार्च को एग्जाम था, सेकंड शिफ्ट में परीक्षा दी। NRI कॉलेज मेरा सेंटर था जो कि ग्वालियर में है। शासन के अनुसार दिया गया था ना कि मेरे अनुसार लोग बोल रहे हैं ये सब चीज़ें। तैयारी आपने कहाँ से की? ग्वालियर से की है सर तैयारी। ग्वालियर में किस इंस्टीट्यूट से की? मैंने आदर्शला कोचिंग से की थी जो कि अजीराब है। मैंने अपना सिलेबस पहले कोचिंग से कंप्लीट किया। कोई भी स्टूडेंट लगातार 6 साल कोचिंग नहीं कर सकता, किसी के पास इतना पैसा नहीं है। हर स्टूडेंट अपना सिलेबस कंप्लीट करता है, फिर अपने घर पे आके अपने घर पर बैठ के स्टडी करता है, जो उसके डाउट रहते हैं वो सर्च करता है, एक सर्च करता है, 10 टीचर उसका सॉल्यूशन देते हैं। मैंने भी वही किया। अच्छा, कितने सब्जेक्ट थे पटवारी में? 8 सब्जेक्ट थे। अच्छा, 8ों की तैयारी आपने एक ही कोचिंग से की है? नहीं सर, स्टार्टिंग में की थी सर वहाँ से आदर्शला कोचिंग, मैंने अपना सिलेबस सब्जेक्ट किया था, फिर जो भी मेरे डाउट्स थे वो मैंने इंटरेस्ट से। अच्छा, इससे पहले आपने कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठी? हाँ बैठी, MP पुलिस SSC GD सब में बैठी मैं। इतना ही। किस किस एग्जाम में बैठी है? हमें नियुक्ति देने की बात क्यों नहीं की जा रही है? क्या हमें नियुक्ति देने की बात क्यों नहीं की जा रही? आप अपना पक्ष रखिए, नियुक्ति देना तो सरकार का काम है। हाँ रख तो रही हूँ। आप देखिए, आपकी आंसर शीट को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं। आंसर शीट को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो वहाँ पे जाँच कर लीजिए, हमने मना कब किया तो वहाँ पे जांच। मैं आपसे आंसर शीट से एक सवाल पूछता हूँ। एक मिनट रुकिए, आपसे मैं आंसर शीट से एक सवाल पूछ रहा हूँ। इतना ही कहना चाहती हूँ। नहीं, आपने 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 पटवारी भर्ती परीक्षा में अपीयर हुई है ना? हाँ, पूजा पूजा, तो ये पूजा रावत हैं, जब इनसे इनकी आंसर शीट के बारे में हम सवाल करने को चले, फिलहाल ये बात करने को फिलहाल तैयार नहीं है। अभी हम भोपाल में हैं, नीलम पार्क में, जो मध्य प्रदेश भर्ती परीक्षा में चयनित हुए हैं लोग, उनका यहाँ पर प्रोटेस्ट है। उनका कहना है कि ज्वाइनिंग दी जाए, ना कि पेपर को रद्द किया जाए, और इनका कहना है कि जो लोग इसमें भ्रष्ट हैं उनकी जाँच की जाए। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी पंकज हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।